मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई नहा के और आज है बसंत पंचमी, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। और ये भी आ गए हैं चुनू को छोड़ के, तो अभी जाएंगे फटाफट से नहाने और फिर करेंगे थोड़ी सी पूजा और फिर ब्रेकफास्ट। तो पहले कपड़े डाल देती हूँ बाहर। पूजा तो पापा ने कर ली थी, मैंने बस वहाँ पर हाथ जोड़ लिए थे और फिर मैं चली गई थी किचन में। कपड़े मैंने डाल दिए थे बाहर और आज बनेंगे पकोड़े और सोले क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो पूजा करके मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे पकोड़े निकाल रही थी और पापा भी आ गए थे पूजा करके, तो पापा लगा रहे थे टीका। और यहाँ पे बनती है पकौड़ी और सोले और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया मक्खन और इसमें बनती है चाय चाय पत्ती वगैरह डालती हूँ। पता नहीं उस अभी तो वही पुरानी वाली चलती है ना। तो सब बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और नन्नू की आज छुट्टी है बसंत पंचमी की, तो परी और नन्नू चुन्नू तो गए हैं स्कूल, उनकी छुट्टी नहीं थी। और यहाँ पे मम्मी सबको दे रही गरम गरम पकौड़े। तो ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ, आज ब्रेकफास्ट डाइनिंग में किया है। पहले पूजा करी, फिर पापा ने टीका किया और फिर किया ब्रेकफास्ट और चाय बची थी तो चाय गर्म करके ले आई हूँ और आज बड़े ग्लास से ने एक्स्ट्रा बनाई थी चाय कि बाद में भी पी लूँगी। तो आज परी का हो जाएगा हाफ डे, तो ये जाएंगे 11:30 पे लेने उसे। और धूप आज बहुत तेज है तो मैं बैठ गई हूँ धूप में। ये आ गई थी और अपने सारे कपड़े ऐसे फैला दिए थे, तो बस अभी उसके कपड़े ही संभाले हैं। और बोलती है वॉच पहनना है, वॉच पहनना है, वॉच जो है अपनी जगह में संभालती नहीं है, सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। और अब कपड़े ले आती हूँ बाहर से सूख गएंगे। तो ये परी आ गई थी तो अभी जाएंगे चुन्नू को लेने, आज परी का हाफ डे हो गया था। तो आती हूँ बाहर, तो आज हम रेडी हैं जाने के लिए, तो मिलते हैं आपसे। तो हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो आज हम जा रहे हैं कुठाल गेट यानी कि शिव मंदिर, उसके बाद जाएंगे पैसिफिक मॉल। तो चलते हैं। और यहाँ पे आज मैंने काफ़ी सालों बाद पहनी है ये जैकेट, ये जैकेट लाए थे भैया यानी कि मेरे देवर जी, तो 7-8 साल हो गए इस जैकेट को। तो कितनी बार सोचती हूँ अब पहनूँगी अब पहनूँगी पर भूल जाती हूँ। तो ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी मेरे पे। तो चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। तो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं मम्मी एक की गोद में फिर दूसरी की गोद में ऐसे करती रहती है, तो बस मेरी गोद में आ गई थी। और यहाँ पे पीछे बैठे हैं रवि, चुन्नू और नन्नू। तो हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर जो कि है मसूरी रोड में। तो ये है पूरा मंदिर, तो चलते हैं अंदर। तो चलते हैं, पहले यहाँ पे धो देते हैं हाथ। और यहाँ है पूरे तो मम्मी अपनी सैंडल बाहर निकाल के छोड़ दी थी और यहाँ पे चप्पल पहन के आ गई है। तो मंदिर में अंदर आके यहाँ पे पापा पानी चढ़ा रहे थे, तो बारी बारी से हमने भी पानी चढ़ाया शिवलिंग में।
पे हाथ जोड़े फिर लिया प्रसाद और यहाँ पे चेन लगी थी, इस चेन के आगे हमें जाना अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे चाय पी के खुद ही एक कप धोने पड़ते हैं, तो परी को बोला मेरे परी को भी धो दे। और उसके बाद रवि और परी यहाँ पे आ गए थे शॉप में। अब परी देख रही थी अपने लिए ब्रेसलेट, तो उसको बस पसंद नहीं आ रहे थे, तो देखने में लगी थी कौन सा ब्रेसलेट लूँ। और मम्मी और को लेनी थी गणेश जी की मूर्ति, तो बस मम्मी बता रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैंने ये वाली पसंद करी। तो मम्मी और ने लिए एक गणेश की छोटी सी मूर्ति। मंदिर से बाहर आ गए हैं हम, पापा यहाँ पे खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं सबका। और रवि ले गए इनको, बच्चों को लगे थे वॉशरूम। तो हम फिर बैठ गए थे गाड़ी में और अब वापस जा रहे हैं और कहीं पे लंच करेंगे। तो आज हम खाएंगे साउथ इंडियन फूड, तो चल देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ पे मैं मम्मी की साड़ी ठीक कर रही थी क्योंकि मम्मी सैंडल लाना भूल गई थी, स्लीपर में ही आ गई थी। तो हम पहुँच गए हैं उडुपी कैफ़े और आज खाएंगे साउथ इंडियन फूड, तो जो कि परी का फेवरेट है, डोसा इडली एंड सांभर वड़ा। तो चलते हैं अंदर। कौन थाली? अच्छा थाली भी है, ओ तब तक थाली खाऊंगी। इडली डोसा पेट कर रही हूँ अभी खाने का, कोई डोसे का कोई इडली का तो कोई आप क्या खाओगे? तो ये आ गई है साउथ इंडियन थाली। देखो मैं एक मिनट ला रहा हूं। तो करते हैं लंच और डोसा तो खाते ही रहते थे, तो आज इंडियन थाली खाते हैं। कब से थोड़ी थोड़ी इंडियन थाली खानी है। ये मेरा है और ये इसलिए खाती है। पूरी लंच कर लिया है और अब चलेंगे हम पैसिफिक मॉल। बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि गेम्स खेलने हैं। तो चलते हैं पैसिफिक मॉल और बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि गेम खेलना है। तो चलते हैं। तो हम पहुंचे हैं पैसिफिक मॉल। पकड़ ले वहाँ से आ रही है। तो नन्नू और चुन्नू चले गए हैं रवि के साथ आगे आगे। तो यहाँ पे मिमी की नज़र पड़ी पता नहीं किस चीज़ पे और बोल रही थी मी चाहिए और रोने बैठ गई थी।
पता नहीं क्या देखा था उसने। तो बच्चे भाग रहे हैं अपनी ताऊजी के साथ क्योंकि उनको खेलना है गेम। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ एक्सीलेटर में चढ़ गई थी क्योंकि मम्मी को अभी अच्छे से आता नहीं है चढ़ना, तो मम्मी के साथ मैं जा रही थी। कैच नहीं है, कहाँ है? कहाँ है? अच्छा मैं तो अपना कुछ दिखा रही हूँ। मिमी 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 चलो। मिमी ने पसंद करी है अपने लिए टॉप, मिकी माउस, मिनी माउस वाली। बेटा आज पापा का बिल बिठाएगी लगता है। तो परी को पसंद आई है ये कार्गो पैंट। गेम्स वगैरह होंगे तो ऊपर चलेंगे गेम्स। नन्नू बोल रहा है ऊपर मुझे दिखते हैं गेम्स। तो हम आ गए हैं फंकी आइलैंड और यहाँ एंटर करते ही इसका डोर अपना आप ही ओपन होता है और अपना आप ही क्लोज होता है। और अंदर आते तो देखा बच्चे गायब हो गए, बस भाग गए होंगे कि कौन सा गेम खेलें। तो चलते हैं आगे आगे, कौन कौन से गेम खेलते हैं बच्चे। यहाँ पे चुन्नू मिमी खेल रहे थे, परी चली गई थी अपने चाचा के साथ गेम खेलने। तो मैंने सोचा मैं भी बैठ जाती हूँ इस कार में और बस बैठ गई थी और रवि को बोला कि मेरी भी एक वीडियो बनाओ। खेल रहे हैं और यहाँ परी अपने चाचा के साथ खेल रही है बास्केटबॉल। परी और भैया ने जो गेम खेले थे तो उसे कूपन जीते हैं खूब सारे। तो उसके बाद आ गया था चुन्नू कार रेस गेम खेलने और उसका फेवरेट टॉय है कार, तो यहाँ पे बैठ गया था और कार रेस खेलने लग गया था। और साथ में उसके पापा भी थोड़ा खेल रहे थे जहाँ पे वो खेल नहीं पा रहा था। लास्ट गेम, अब चलते हैं घर। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 5 बजे हैं तो सब गेम ख़त्म, कार्ड के सारे पैसे ख़त्म, तब चलते हैं। अब बच्चे वेट कर रहे हैं जो ओपन होता है। मुझे लोग ऐसे गेम देखते हैं यहाँ पे, सब वेट कर रहे थे अपने प्राइस का, कूपन देखे जो प्राइस मिलता है। कार्ड मिले, वाह पोकेमोन कार्ड लो। बच्चे
को मैं तो बहुत इंजॉय किया है, तो चलते हैं। चलो करते हैं घर। पर ये थोड़ा रेस्ट रेस्ट करने का टाइम तो नहीं है, टाइम हो गया है। तो बच्चों की नजर पड़ गई है कैंडी में। तो घर आकर थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद लग गए थे काम में। और आज थी भैया और की एनिवर्सरी, तो भैया और ने केक कट किया, तो बच्चे भी बैठ गए थे साथ में। तो आज डिनर में आए थे चाचा जी, चाची जी, किरण, रिशु। तो केक कट करने के बाद सबको केक और स्नैक्स दिए, फिर मारी थोड़ी गप्पे, फिर टाइम हो गया था डिनर का, तो किया सबने डिनर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।